योजनाएं भी बना रहे हैं। एक घोषणा में करके और अपनी बात समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा गृहमंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं, उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 2,750 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वादे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के, अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है, लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2000 से 3000 करेंगे, 250 रुपया बचा है। पहली जनवरी से ये योजना 3000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। बंधुओं, अंतिम जो बात मुझे कहनी वो ये कि आज हम करनाल की धरती पर बैठे हैं। करनाल दानवीर कर्ण जी के नाम से और जाना जाता है। दानवीर कर्ण के बारे में हम जानते होंगे कि वो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ बालक, बल्कि एक जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है इस प्रकार के उनके जन्म की कहानी, यानी वो व्यक्ति इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के पर मां की गर्भ से जन्म लेने के बाद बड़े होकर के कितनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनको जाना जाता है। ऐसा नहीं कि सारी योजनाएं, सारे ऐसा परोपकार का काम कोई बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग करते हैं, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी सेवा के काम में आगे उतर सकता है। और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत दानवीर कर्ण है। दानवीर कर्ण के साथ हम अगर उनकी प्रेरणा लेकर के कोई भी समाज का काम, परोपकार का काम करना चाहें, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। दानवीर कर्ण के बारे में लिखा है कि जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है, विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। उनके जीवन को उठा के देखे, दान वीरता में उनके कोई सानी नहीं है, तो इस प्रकार का एक आदर्श हमारे लिए है। मैं आदरणीय गृहमंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि अभी कुछ और योजनाओं का आप जो है लॉन्च करेंगे, हमारे सबके लाभ के लिए है, उसका मैं निवेदन करता हूं। और अंत में एक सूचना कि आपको जाते हुए एक बस्ता, एक किट मिलेगा, थैला मिलेगा, उस थैले में कुछ चीजें रखी हैं जिसके अंदर एक कैलेंडर होगा, एक रजिस्टर होगा, स्कूल में जाने वाले बच्चों का उपयोग वो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का उसमें एक संदेश होगा, और एक मेरा एड्रेस लिख करके जो पता लिखा हुआ, एक पोस्ट कार्ड, एक लिफाफा, ये भी होगा। आपको मैं आह्वान करता हूं कि कभी कोई मन में बात आए, किसी और को बताए न बताए, लेकिन एक 4 अक्षर लिख करके और मेरे पते लिखे हुए इस पोस्ट कार्ड पर या लिफाफे में कागज डाल करके भेज देना, आपकी हर बात मैं स्वयं पढ़ करके उसके ऊपर संज्ञान लूंगा। भाई बहनों, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, मैं उस दिन आपको एक संदेश भेजता हूं। आपके जन्मदिन पर किस किस को संदेश मिला है, जरा हाथ खड़े करो। इतने सब लोगों को जन्मदिन का संदेश मिला है। साल भर में हरेक को संदेश पहुंच जाए, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई बहन हैं। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, इस नाते से परिवार का सदस्य मान करके आप ये मेरे साथ रखना। और एक अंतिम बात कि आपको जो कैलेंडर मिला है, उस कैलेंडर में छुट्टियां लिखी हैं। इस दिन अगले साल का वो कैलेंडर है, 1 जनवरी से है, इस दिन कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है, लेकिन अगले साल में 2 छुट्टियां ऐसी आएंगी जिनका उसमें अभी उल्लेख नहीं किया है। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी, वो जब भी तय होंगी उसको मैं आपको पता लगेगा। और जिस दिन वो छुट्टी हो तो तारीख पर गोल दायरा लगा देना,
और उस छुट्टी के दिन आपने क्या करना है ये काम भी जैसे वो छुट्टी घोषित होगी आपको पता लग जाएगा। वो दो छुट्टियां कौन सी होंगी? पहली छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा, और इसी साल की दूसरी छुट्टी होगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव होगा। उन दोनों तिथियों पर आप गोलदारा लगा देना, जरूर याद रखना उन दो दिनों को आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मेरा संक्षेप में इशारे में जितना कहना था मैंने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत